आजकल जो मोस्ट ट्रेंडिंग चीज चल रही है ना, वो चल रही है ये कट ऑफ। आजकल ये कट ऑफ की कीमत 35-35 हज़ार रुपया भाई, यकीन मानोगे 35-35 हज़ार रुपये का अब्दुल्ला भाई हुआ। है कौन से ये, इसका भी मुझे आइडिया नहीं। मैं दो कार का ऐसे तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाई? ओके, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो यार आज हम दोबारा से एक बहुत ही पप्पू सी गाड़ी का ना रिव्यू लेकर आए हैं। मुझे पता है काफी अरसे बाद रिव्यू आ रहा है, लेकिन जरा मसूफियत थी ना, समझा करो यार। गाड़ी हमारे सामने खड़ी है, ये गाड़ी शायद आपने मेरे चैनल से पहले देखी हो, जो पुराने सब्सक्राइबर्स है। मुझे बहुत मैसेजेस आते होते थे कि यार इसका रिव्यू दे दो, इसका रिव्यू दे दो, लेकिन असी भी आलकस दे मारे कभी बनाया नहीं। तो हमारे साथ इस गाड़ी के ऑनर भी मौजूद है। तो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक भैया। उसने अल्हम्दुलिल्लाह, ये बंदा बड़ा गोलीबाज है। इस बंदे के मैंने बड़े तरले मिनते किए हैं, मुझे रिव्यू दे दे, अब आया है रिव्यू देने, अब आप लोगों की भी सुनी जानी है। चलो यार शुरू करते हैं फिर। पहली बात आप मुझे बताओ कि कितने नंबर की गाड़ी है? तो यार ये ना 2023 में ली थी मार्च के महीने में, उस टाइम पे जो प्राइसेस इसकी अराउंड चल रही थी 18-20 लाख के दरमियान ना, मेरा ख्याल है उस टाइम पे एक अच्छी गाड़ी मिल रही थी आपको, जो जेन्युइन भी होती है। जिसे मुझे भी तकरीबन ये 18.5 लाख रुपए की पड़ी थी, डॉक्यूमेंट पेपर पेपर डाल सारा कुछ करके ना। खैर ये सब तो हो गया हमारा बाइंग डिसीजन, ठीक है ना। अब चलते हैं कि ये गाड़ी सिंपली फैमिली यूज की कार है, लेकिन हमने इसे फैमिली यूज वाला रहने नहीं दिया, इसके साथ जो हरकतें की हैं वो आप सबको पता है। अब चलते हैं कि इसकी हमारी ये जर्नी किस तरह शुरू हुई। अब्दुल्ला भाई ये जो मॉडिफिकेशन की दुनिया है, इसमें आपका पहला कदम किस चीज का था भला? इसमें जो सबसे पहला काम मैंने किया था ना, वो था इसकी पेपर स्टिकरिंग का। इसकी मैंने लाइटें टिंट करवा दी थी, रूफ इसका सिल्वर ही आता है बॉडी कलर में, वो करवा दिया था। साइड मिरर इसके ब्लैक करवा दिए थे, और वो जो डोर हैंडल्स होते हैं इनको ब्लैक करवा दिया था। स्टार्टिंग में मेजर मैंने चीजें यही की थी। ऐसा ऐसा ना, स्टार्ट में जब बंदा नया नया पहली पहली दफा मॉडिफिकेशन की तरफ जा रहा था ना, बंदा जरा हेजिटेट भी हो रहा था, मैं करवाऊं क्या ना करवाऊं। तो मैं भी शुरू से ये कहता हूँ स्टेप बाय स्टेप चलो, जैसे छत काली करा ली, साइड मिरर्स काले करा लिए, फ्रंट लाइट टिंट करा ली, बंदे का चाका खुल जाता है, मार्केट का पता चल जाता है, बंदे का ना पैशन और बढ़ने लग जाता है। एक चीज कराओ ना आपको खुजली होती है, हूं मजीद कुछ कराना है। ये होते हैं फर्स्ट स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता फिर बंदा आगे चलता है। तो ये तो सारी आपको दिखा दी छोटी छोटी मॉडिफिकेशन, अब आते हैं जरा बड़े टीकों की तरह। तो हम आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ लेके चलेंगे, फ्रंट से लेकर बैक तक हर स्टेप कवर करेंगे, ठीक है ना। फ्रंट से हम आते हैं अब्दुल्ला भाई, फ्रंट पे पहली चीज जो बंदे की नजर पड़ती है ना, एक तो इसका बम्पर फुल बड़ा, मतलब बोनट नहीं है गाड़ी में, बम्पर ही है ऐसी है, ठीक है ना। मतलब गुड वैरायटी थी अपनी तरह से टोयोटा की, जैसे फ्रंट पे जो चीज है ना हमें मिलती है एक अदर, ये फाइबर की बॉडी किट नजर आती है। पेपर स्टिकरिंग के बाद इसका मैंने बॉडी किट्स की तरफ आ गया था। इसकी बॉडी किट्स में इसकी फ्रंट किट आती है, साइड पैनल्स आते हैं और बैक किट आती है। ये फ्रंट कौन सी है, मतलब ये कौन सी गाड़ी का, इसका अपना ही आता है फ्रंट? नहीं अपना नहीं है, मेरा ख्याल है ये स्विफ्ट का था फ्रंट, ये शायद स्विफ्ट का था। ये होता है फाइबर के फायदे, ठीक है ना। मतलब हमें किसी और गाड़ी की भी बॉडी किट पसंद आई है ना, कटाओ वटाओ अपनी गाड़ी पे फिट कराओ, पिने लगवाओ, दैट्स इट। जिसकी वजह से ना देख रहे हो फ्रंट से ना बहुत ही कोई क्यूट किस्म की गाड़ी की लुक आती है, बड़ी पप्पू पप्पू से, आगे से लाइटें भी टिंट है, बड़ा सा बंपर है, नीचे ये किट है, ऊपर से वन पीस हुई हुई है, तो ये बड़ी फील कराती है यार। ये जो वन पीस वाली वैरायटी है, इसे कभी तंग नहीं किया पुटीने भर भर के? यार अगर आप कैमरा करीब लाओ ना तो सिर्फ जो ये मिनिमल से क्रैक्स हैं जो कभी कभी आते हैं, ये भी बहुत टाइम के बाद, मतलब एक साल से ज्यादा हो गया इसको। मतलब जो लोग कराना चाह रहे हैं कहते हो कि करा लें, यार वो डिपेंड करता है। जिस तरह ये मेरी बॉडी किट था, ये इसका ऑलमोस्ट 3 इंच की बॉडी किट है ये मैक्सिमम, ये बॉडी किट का साइज छोटा है। अगर इसके साथ ही आपकी बॉडी किट बड़ी होगी, मतलब 4-5 इंच की वाइड हो जाएगी आपकी, ऑब्वियसली बात है वो कुटीन तो लगी होती है ऊपर, और गर्मी से भी फट सकती है हल्की सी जगह पे लगने से। मेरे साथ यही हुआ था रिबस की दफा ना, जब मेरे पास रिबस होती थी मैंने इसकी करा ली जी पुटीने, पुटीनों से ना वन पीस करा लिया, वो हल्का हा टच होता है वो जगह ना पुटीने फट जाती, किट बड़ी थी, ये किट छोटी है ना जिसकी वजह से बड़ा परफेक्टली बैठता है। तो अब आ जाते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ, क्योंकि गाड़ी ऑलमोस्ट 360 वाइज आपको कुछ ना देखने को मिलता ही मिलता है। साइड पे आए तो जी सबसे पहली नजर पड़ती है हमारे इन रिम्स पे, बड़े ही को प्यारे हैं, बड़े ही को गाड़ी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं गाड़ी के कलर के साथ, गाड़ी की शेप के साथ। तो यानी ये कौन से रिम्स है भला, क्या साइज है इनका? इसका साइज है 15 इंच, और जेजे इसका मेरा ख्याल है 7.5 है या 8 है, ठीक हो गया एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है क्योंकि एक साल हो गया इनके लिए हुए भी, और है कौन से ये इसका भी मुझे आइडिया नहीं। मैंगो कार का ऐसे रिम से हम आगे चले तो हमें ना साइड प्रोफाइल पे काफी ब्लैक का काम मिलता है, जो कि ना गाड़ी के लुक को बड़ा कोई मजेदार किस्म का कराता है। खैर साइड पे जाने से पहले मैं बताता चलो, ये 15 इंच का है, ये ऑटो शोज के सीजन में ड्रॉप होती है, और ड्रॉप की मैं पिक्चर्स अटैच कर दूंगा, आप देखना बड़ी कोई पप्पू किस्म की फिटमेंट बैठती है, ऑलमोस्ट नियर अबाउट फेंडर टू लिप हो जाती है, प्रोफाइल बड़ी है जिसकी वजह से थोड़ा हम तंग होते हैं, वरना सीन बड़ा पप्पू किस्म का इसका बन जाता है। खैर अब आते हैं साइड की तरफ, साइड प्रोफाइल की तरफ आए तो जी आपको सबसे पहले मिलता है कि ब्लैक कलर का साइड मिरर, ठीक है ना,
ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स, आपको वाइजर मिलता है, ब्लैक कलर की आपको छत का कंट्रास्ट मिलता है और मिलते हैं साइड स्कर्ट्स। अब अब्दुल्ला भाई ये क्या फनकारी थी, सिल्वर गाड़ी से अच्छी बोली, ये क्या ब्लैक के साथ आपने क्या करना क्या चाह रहे सर इसके साथ? असल में डुअल टोन में लाना चाह रहा था ना इसको मैं, सिल्वर के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है। अब इसके साथ मैं व्हाइट कर देता तो की नहीं बनती तो ब्लैक इसके करवा दिए थे, ये लोग रैप करवाते हैं तो मैंने ये पेंट ही करवा दिए थे। जान छुट्टी, कोई फुलन का टाइम ही नहीं है। साइड मिरर्स और डोर हैंडल्स चारों मैंने ना पेंट ही करवा दिए थे ब्लैक में, ग्लॉसी ब्लैक। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आगे चले तो ये साइड पैनल जो है इससे मैं जरा वाकफ कार लग रहा हूँ, तो ये साइड पैनल वाला कौन सी गाड़ी का है? इसका अपना तो नहीं है ये? साइड पैनल है सिविक एक्स का। अच्छा, सिविक एक्स का आपने इसमें लगा दिया है। अब इसका जो फ्रंट से है वो एग्जैक्टली सेम था, पीछे से जरा लंबा हो रहा था, उधर से काट के हमने इसके साथ एडजस्ट चेक कर रहे हो। फिर ये होते हैं फाइबर के फायदे, ये सिविक एक्स मेरी गाड़ी में भी सेम ये पैनल्स लगे हुए हैं और ये इसका फायदा है फाइबर का कि आप ना इजीली एडजस्ट करके लगा सकते हो। यही डिफरेंस है प्लास्टिक और फाइबर में, प्लास्टिक की लुक्स जरा अच्छी निकल आती है, ठीक है ना, ओवरऑल पेंट के बाद ना बड़ी पप्पू जाए लगता है, कंपनी फिटेड आए हैं वो निकल आते हैं, लेकिन फाइबर में आपको ऑल्ट्रेशन का बड़ी ऑप्शन मिल जाती है कि आप जिसको कटो वड्डो जिस मर्जी गाड़ी का सामान जिस मर्जी गाड़ी पर लगा लो, तो फाइबर का ये जरा फायदा हो जाता है। और इस पे आप चेक कर सकते हो, बहुत हो गई हैवी किस्म की कॉम्प्लीमेंट करती है, हैवी किस्म की लगती है। अच्छा यार, पीछे आए तो हमें ना मिलता है एक अदद ये काला शीशा, ठीक है, और आजकल लाहौर में जितनी सख्ती हुई है ना, ये तो वैसे ही ऐसे लगता है आपने बहुत बड़ा क्राइम किया है, मतलब किसी को मार दो ना वो छोटा क्राइम है जितना बड़ा आजकल ये हुआ है। तो यानी इसके पीछे तंग नहीं होते? यार तंग होते हैं अक्सर। अभी मैं जब आपकी तरफ आ रहा था मुझे फिर वो रोक लिया था एक बंदे ने, कहा कि यार क्या आपने पेपर लगवाया? मैंने कहा नहीं जी ओरिजिनल है। फिर उसने चेक किया, अक्सर होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं ना, जिनको नॉलेज होती है थोड़ी सी, उनको समझ आते हैं कि भाई जापानी गाड़ी है, इनके पिछले शीशे आते हैं, वो कहते हैं ठीक है जाए। तो जो दूसरे होते हैं जो लीचड़ होते हैं, यानी आपको पता है ना आज का फायरवॉल चल गया और आप कह रहे हो लीचड़ होते हैं, देख लो यार लीचड़ से मुराद ये है कि लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, जिसको पता ही नहीं है। अब जाहिर बात है वो होते तो हमारे से सीनियर ना, बदतमीजी हम उनसे करने से रहे, अब बंदा ना उधर चुप कर जाता है, यार सर जी माजरत कर लो आप, फिर और हाल कोई सीधी बात है ना। अब यहाँ पे लिटरली लैक ऑफ नॉलेज है कि जापानीज कल्चर में ये चीज कह लो ना उनकी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में कि अगले शीशे 100% क्लियर ये भी नहीं होते, कुछ परसेंटेज होते हैं इनमें हल्का शेड होता है, लेकिन बॉम शेड होता है, और पिछले आपको ऑलमोस्ट 50% कंपनी से ही मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया, और बैक स्क्रीन भी, तो ये पेपर शेपर कोई नहीं होता। जिनको नहीं पता भाई, अगर वो वीडियो देख रहा है, यानी ये कंपनी की तरफ से आता है, और आपको ना कि हम इन्हें चेंज करवा ले ये पॉसिबल नहीं है। कितने का ऑल होगा ना पेयर? 50,000 रुपए तक का होगा ना? इतना का होगा, आइडिया नहीं है वैसे, तो जापानीज कार है ऑलमोस्ट इतने तक का इसका पड़ेगा। दूसरा इसमें जो मेरा ख्याल है अमेरिकन मॉडल आता है, ये यूके मॉडल आता है जो यारिस के नाम से आता है। अच्छा, उसमें मेरा ख्याल है कि नहीं आता है, क्योंकि वो यूके की पॉलिसीज भी तो हो रहा है ना, ये जापानीज मॉडल की गाड़ी है, इस वजह से भी ना उनके मेरा ख्याल है कि हो सकता है जेन में कि उन्होंने शायद कोई और यारिस गाड़ी देखी हो, शेप तो एक ही है ना, नाम ना पड़ा हो। यार पता सबको है, जब मतलब जितनी पुरानी आ रही है ना हमारे पाकिस्तान में जापानीज गाड़ी, सबको पता है 2005-06 वालियों में भी आता है, बस एवं बस जिसकी जिदा दिहाड़ी लगती है। अच्छा तो यार अब हम आ गए इसकी बैक की तरफ, और गाड़ी की आगे से जितनी को क्यूट लुक है ना बैक से, उतनी कह लो ना फुल मॉडिफाइड गाड़ियों वाली जो लुक है ना वो सारी बैक से ही आती है। तो बैक से हम आहिस्ता आहिस्ता कंपोनेंट्स का पूछना शुरू करते हैं। तो यानी सबसे पहले ये बताओ, ये स्पॉइलर ये क्या है भला, ये कौन सी गाड़ी का है? ये स्पॉइलर बिट्स का ही आता है, इसका आफ्टर मार्केट आता है, इसका कंपनी से तो नहीं आता, बट इसमें दो क्वालिटीज आती है, जिस तरह एक फाइबर की आती है और एक आता है प्लास्टिक में। जो प्लास्टिक में था वो जरा थिन में है, वो उसका शार्प लुक आती है जरा, तो वो इस सूट नहीं कर रहा था। गाड़ी पीछे से बल्क में बहुत ज्यादा ना, तो जरा मोटी मोटी चीजें चाहिए थी, तो इसका फिर ये फाइबर में देखा था, ये ऊपर जब रख के देखा तो ये सूट कर रहा था, फिर इसलिए फाइबर में। ये विदाउट पेंट था, ये बाद में पेंट करवाया। हाँ वो तो बाद में कराते रहते हैं। नीचे आ जाओ तो भाई आपकी पहले नजर पड़ जाए इतने बड़े काले शीशे पे, ये भी वही है जो पहले बात किया, जापान की तरफ से भाई ये काला शीशा ही आता है, थोड़ी सी हमने काला कराया भी हुआ है लेकिन ये जापान की तरफ से काला आता है। आगे आए तो जी यहाँ पे हमें लाइट्स मिलती हैं, सिंपली स्टॉक लाइट्स है, सिर्फ टेंट हुआ है जिसकी वजह से सिल्वर गाड़ी के साथ ब्लैक मतलब हल्का ना मेरून मेरून सा शेड मार रही है, बड़ी अच्छी लगती है। बैक पे जो मेन सबसे प्रोमिनेंट चीज जो है ना वो है भाई इसका पिछला बंपर, क्योंकि पूरी गाड़ी में से बंपर ही बंपर है, लोहे का कम नहीं इन्होंने ना किया, आगे भी वड्डा बंपर पीछे भी वड्डा बंपर, पीछे आपके बंपर पे नजर पड़ती है, ठीक है ना, जो कि बहुत प्यारा लगता है और बड़ा ना अट्रैक्टिव है, आपकी नजर पीछे बंपर पे जाती है। इस पे लगी है नीचे ये किट, किट का अब्दुल्ला भाई से पूछते हैं कि जी किट का क्या सीन है, तो अब ये किट इसकी अपनी है कि वो भी नहीं है? किट भी इसकी जो है स्विफ्ट की लगी हुई है और फाइबर। चेक कर रहे हो, चेक कर रहे हो। अच्छा ये है फाइबर में है और ये भी वन पीस करवाई हुई थी, वन पीस करवाई हुई है। ये होते हैं फाइबर के फायदे, मतलब वही बात है ना कि इसके अंदर भी कोई चीज अपनी नहीं है, अगली चीज किसी और गाड़ी की है, ये किसी और गाड़ी के पैनल सिविक के हैं। मेरी सिविक में भी ये हुआ है, हमारा वो दोस्त नहीं, वो सेंट्रो वाला जो भाई है उसका जो रिव्यू था उसमें भी आपने देखा होगा कि किटें हमने इधर उधर की लगाई हैं, जिसका दिल करा लेके बाहर लगा दी। फाइबर के फायदे मिलते हैं आपको।
कि जरा कट वटाई करके ना आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज को लगा सकते हो। प्लास्टिक में लुक्स बड़ी अच्छी मिलती है लेकिन इस चीज से आप जरा महरूम हो जाते हो। आगे चले तो जी सिल्वर गाड़ी है जिसके ऊपर ब्लैक कंट्रास्ट का बहुत सारा काम हुआ है, तो आपकी नजर पड़ती है भाई इस सिल्वर टिप के ऊपर जो कि दूर से चमके मारती है। तो अब अब्दुल्ला भाई ये सिर्फ टिप ही है कि कोई फंक्शनैलिटी भी है इसकी? यार स्टार्टिंग में ना इसका मैंने स्ट्रेट पाइप के साथ एग्जॉस्ट सिस्टम था, एग्जॉस्ट एच कैस एग्जॉस्ट नहीं होता वो मिडगुमरी रोड वाला, हाँ वो लगाया था इसमें, तो बड़ी अच्छी बात थी उसकी। 3-4 महीने मैंने तकरीबन वो चलाया था, तो उसके बाद फिर दिल भर गया उससे, कह लो कि चेंज आ रहा था जरा, वो उतार के स्टॉक कर दी और फिर ये एग्जॉस्ट टिप लगाई इसके ऊपर लुक्स के लिए, और साउंड के लिए अगर कभी दिल कर जाए तो फिर वो कट ऑफ लगा दिया। कट ऑफ लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर। आजकल जो मोस्ट ट्रेंडिंग चीज चल रही है ना वो चल रहा है जी ये कट ऑफ, क्योंकि पुलिस की तरफ से जब से ये हुआ है ना जरा सख्ती हुई है काले शीशों पे एग्जॉस्ट पे, तो काले शीशे तो लोग उतारने लग गए हैं, एग्जॉस्ट का क्या करे लोगों ने, कार गाइज ने चस लेनी होती है। तो इस सब सख्ती की वजह से ना आजकल ये कट ऑफ की कीमत 35-35 हज़ार रुपया हुआ है, यकीन मानोगे 35-35 हज़ार रुपये का अब्दुल्ला भाई हुआ है। और हमने कितने का खरीदा है वो मैं लास्ट पे बताऊंगा, लेकिन आजकल तो भाई आग लगी हुई है इस चीज को। तो आप लोगों को ना इस कट ऑफ का मैजिक चेक कराता हूँ कि भाई इसके क्या शशके हैं। तो जी अब्दुल्ला भाई जरा स्टॉक पे तो चेक कराओ आवाज। ये है जी इसकी स्टॉक की बात, अब आपको मैजिक चेक कराता हूँ। आए हो गया हो गया, लेकिन कट ऑफ के बाद आपको इधर से नहीं सही आएगी, आपको मिड से सही आएगी यहाँ से करके। बहुत है। अब सीन ये है कि जो कट ऑफ होता है ना वो गाड़ी के मिड में लगता है, ठीक है ना, इस वजह से कट ऑफ के बाद सेंटर से आती है। रुको थोड़ा सा मैं आपको नीचे से दिखा भी देता हूँ, क्या पता नजर आ जाए। ये आप हल्की हुई ओपनिंग देख रहे हो, ये है सारा कट ऑफ, सारी गेम इधर से आती है। चश्का चेक कराते हैं, देख रहे हो ये रेस है, ये देखना, और ये दस्ती इस तरह करके, हाँ ये दस्ती साइलेंट होती है, साबता अभी कोई नहीं, दोबारा करके हैं, हाय 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 हाय, ये बड़ा मजे का है, ये बड़ा मजे का है, जो मर्जी साइलेंट, जो मर्जी रोला मोड ऑन। तो यार बाहर से तो पूरी गाड़ी का आपको 360 व्यू दे दिया, क्या क्या लगा हुआ है क्या क्या नहीं लगा हुआ। पहले चलते हैं आप गाड़ी के अंदर, उसके बाद आपको ना सारी चीजों की प्राइजेस भी बताता हूँ। तो यार इस टाइम हम आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर, और अब इंटीरियर के मॉडिफिकेशंस पूछते हैं कि भाई अब्दुल्ला भाई ने इंटीरियर में क्या क्या करवाया हुआ है। सामने आया तो जी आपको बड़ा मिनिमलिस्टिक सा डैशबोर्ड मिलता है, बड़ा कोई पप्पू किस्म का, सेंटर में आपको इसका मीटर शीटर सारा मिल जाता है, और मजे की बात पता है क्या, इस विड्स में आपको आरपीएम मीटर भी मिलता है, वरना नॉर्मली विड्स में सिर्फ ये वाला मीटर होता है जो स्पीड दिखाता है, इसमें आपको आरपीएम मीटर भी मिलता है, और ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है जो कि लुक्स में बड़ी अच्छी फील कराता है। मॉडिफिकेशन की तरफ आए तो जी फिलहाल यहाँ से तो कोई इतना खास नहीं है। अब्दुल्ला भाई क्या क्या मॉडिफाई हुआ है अंदर? इंटीरियर में सच कुछ नहीं है, अगर आप देखो ना तो ये स्टीयरिंग के ऊपर ये स्टिच करवाया है, उसके अलावा ये कार्बन फाइबर की गियर नो होगा, ये बहुत फील कराती है। ये चेक कर रहे हो इसकी फनकारी, चेक कर रहे हो ये नीचे फिटिंग है, ये इसकी अपनी है, जैसे लगता है कंपनी से आया है, और ये लुक में ब्रेक तो बहुत जरा भैया, ये चेक कर रहे हो इसकी फील, ओए होए होए इसकी फील के सारे पैसे, ये बहुत मजे की है। आगे चले फिर इसके अलावा ये एटमॉस्फेयर लाइट्स हैं इसकी, एम्बिएंट लाइटिंग हुई है, ये वही वाली है ना जो रात को कलर चेंज करती है, हाँ ये ऐप से कलर चेंज हो जाता है, हाँ ऐप वाली है ये, कलर शलर ना अच्छे किस्म के चेंज करती है, फुल डिस्को मॉल बना था गाड़ी के अंदर। अच्छा नेक्स्ट क्या है इसके अंदर गाड़ी में? नेक्स्ट इसके अंदर आर्मरेस्ट नहीं आता गाड़ी के अंदर, तो ये मैंने एक आर्मरेस्ट आफ्टर मार्केट लेके लिया था। ये क्या क्या फीचर इसके अंदर? एक ये आता है, ठीक हो गया, और नीचे भी है, एक ये है, ओके ये है, मतलब आफ्टर मार्केट लिया हुआ है, हाँ आफ्टर मार्केट है। उसके अलावा यहाँ पे एक कप होल्डर आता है, ठीक है, और पीछे एक एस्ट्रे भी आता है। इसकी प्राइस आधी बता दो कितने का पड़ा होगा भला आपको? यार उस टाइम पे 3500 का लिया था, 3500 रुपए का। क्वालिटी वैसे इसकी सही है और ओवरऑल हर लिहाज से अच्छा है, ओवरऑल मैं सेटिस्फाई हूं उससे, ऑलमोस्ट ईयर हो गया इसको भी, हाँ और बड़ा सही जा रहा है। अच्छा अब्दुल्ला भाई इस आर्मरेस्ट के बाद नेक्स्ट क्या है? आर्मरेस्ट के बाद आए थे नेक रेस्ट, ठीक हो गया, सीटों के अंदर लगे हुए ये दोनों, अगली दोनों पैसेंजर सीट्स के साथ लगे, ठीक हो गया, और ये काफी कंफर्टेबल है, ये देखो अगर इस तरह बैठते हैं ना फुल पोजीशनिंग के साथ फुल गैप खत्म है, और ये लॉन्ग सफर पे इतना मजा कराते हैं ना, हमने ट्रेवल किया भाई, ये मेरे सिविक में भी लगे हैं, ये इसमें भी लगे हैं, और लंबे सफर में जो मजा आते हैं इनके साथ, ये देखो ना फुल महंगी वाइब आंदी, सस्ते में एस क्लास। ओवरऑल लेग स्पेस वगैरह की बात करें ना तो एट द एंड जैपनीज कार है। अब मेरी हाइट ना 6+ ही है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 6 या 6.1 समथिंग इसी तरह करके है, और आप लेग स्पेस चेक कर रहे हो हैवी पप्पू किस्म की, इसके पास भी वादू है, लेट के चलाता है, पीछे भी हमारे तकरीबन आराम से 3 लोग तो पूरे आ जाते हैं, मतलब मेरे जैसे भी 3 लोग, हम 5 लड़कों का ग्रुप है, तो हम इजीली एक गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। पीछे से लेग स्पेस बड़ी खुली डुली है, लंबे पे सफर करना है तो बड़ा मजे का है। हम लोग पिछले दिनों होकर आए हैं, पिछले दिनों नहीं 2-3 महीना हो गया दूर गए थे, तो वहां से होकर आए हैं, ओवरऑल लेग स्पेस लेटला लूटा हो गाड़ी में, लंबे पड़ के जाते हैं, लंबे पड़ के आते हैं, सीटों की कम्फर्ट बहुत ज्यादा है, जरा आगे हो ये चेक करा, सोफा सीट नहीं बकेट सीट्स हैं ये,
क्वालिटी सोफा सीट्स वाली है, लेकिन आपको ना शेप फुल बकेट सीट वाली मिल जाती है, इसकी वजह से बड़ी कंफर्टेबल रहती है। तो ये सारा हो गया इंटीरियर का। अब आपको लास्ट पे फाइनली इनकी प्राइजेस का बता देते हैं भाई जान, लोगों को बड़ा इंतजार है प्राइजेस का, और रिव्यू भी मुझे पता है लोग प्राइजेस के लिए देख रहे हैं, क्योंकि आजकल महंगाई जितनी हुई है हर बंदे को गाड़ी तैयार करनी है लेकिन पैसे नहीं है भाई गड्डी कैसे तैयार करनी। चलते हैं प्राइजेस का बताते हैं। अच्छा तो जी पूरी गाड़ी का आपको 360 रिव्यू दे दिया, अंदर बाहर से इसकी आंतरे शांतरे सारी आपको खोल के दिखा दिए कि इसमें क्या क्या लगा है। अब लास्ट पे सिर्फ वही चीज रह गई जिसका आप सबको इंतजार है कि चीजों की प्राइस। तो जानी सबसे पहले बताओ जो फ्रंट पे किट लगी है क्यूटनेस का जो राज है इसकी क्या प्राइस है? इसकी जब मैंने लगवाई थी सारी इकट्ठी लगवाई थी साइड्स की और फ्रंट बैक की, तो सारी ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन 10 से 12,000 रुपए के दरमियान पड़ेगी फाइबर। ट्रिपल लेयर फाइबर, ट्रिपल लेयर फाइबर और विदाउट पेंट। विदाउट पेंट और पेंट शेंट करवा के कितना का खर्चा पड़ गया? तकरीबन 15,000 रुपया मेरा जो है सारा पेंट में आया था, क्योंकि सिर्फ किटे किटे नहीं, इसमें जो है ना अगले पिछले दोनों पूरे बम्पर हुए थे, पेंट और साइड पैनल्स हुए थे, और उसके अंदर ही मैंने फिर वो जो बताया था ना साइड मिरर्स, ये सारा कुछ उसी पैकेज में था, उसी पैकेज। तो अब इस लिहाज से भी आपको ना कि शायद अभी भी ज्यादा है, तो आप ये भी तो देखो इसका अगला और पिछला बम्पर कितना बड़ा बड़ा है। तो एट द एंड प्राइस जस्टिफाइबल है 15,000 रुपया वो, और 10-12,000 रुपए की साल पहले डेढ़ साल पहले हमने किटें लगवाई थी, तो आइडिया होगा। अब तो खैर काफी महंगी हो गई है लेकिन तब यही रेट थे, अच्छा दौर था साल पहले भी, साल बाद ही हालात खराब हो गए हैं। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे, कही साइड प्रोफाइल पे जो सामान लगा हुआ है इसकी क्या कीमत है? सबसे पहली नजर आती है हमारी रिम्स पे। अब्दुल्ला भाई रिम्स क्या प्राइस होगी भला इनकी? जब लास्ट ईयर जब मैंने लिए थे रिम्स मुझे पड़े थे 50K के, पूरे 50,000 रुपए के यूज थे ये? हाँ यूज कह लो, रिफर्ब हुए होते हैं ये पेंट दोबारा से, बाहर से आए हुए थे लेकिन यहाँ पे आके ना जरा मेंटेनेंस हुई थी, पेंट पुंट हुए थे, इस तरह साफ था, काबिलियत है जिसको, तो वो मिले थे 50,000 रुपए के। और टायर भी लिए होंगे फिर तो? हाँ टायर ऑलमोस्ट जो है ये पता नहीं थाईलैंड की कंपनी है कोई, प्रिंस टायर थे। अच्छा तो ये ऑलमोस्ट मुझे 80,000 रुपए के पड़े थे क्या दोस्तों? 80,000 रुपए के टायर पड़े थे, अब तो मेरे ख्याल बड़े महंगे हो गए ना, अगर तब 80,000 के थे थाईलैंड वाले, अब तो बड़ी प्राइस होने की होनी है। तो पूरा सेट ही डलवाया था भाई ने, मतलब न्यू रिम्स न्यू टायर। तो यार अब आया थे हम गाड़ी की बैक साइड पर, जहाँ पे सारी इसकी मेन गेम चलती है, सबसे पहली जो नजर हमारी पड़ती है ना वो पड़ती है इस स्पॉइलर पे। तो यार ये स्पॉइलर आपको कितने का पड़ा होगा? ये यार 2200 का मिला था उस टाइम, विदाउट पेंट, विदाउट पेंट और फाइबर में, फाइबर में प्लास्टिक का रेट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। और पेंट कितनी कॉस्ट की थी? पेंट ये सारे ओवरऑल पैकेज। अच्छा वही वाला जो बम्परो शम्परो वाला पैकेज था उसी में था, ओके ओके। पीछे मजीद आए तो जी हमारी ऑब्वियसली नजर पड़ती है बैक बम्पर की बॉडी किट्स के ऊपर, वो अब्दुल्ला भाई हमें बता चुके हैं कि कंप्लीट पैकेज था, सारी बॉडी किट्स 360 और उसके अंदर ही हमें 12,000 रुपए की पड़ी थी, उसमें ये बैग भी था। बैक किट में से जो हमें ये खूबसूरत सी टिप नजर आती है, अब्दुल्ला भाई इस टिप का ये कितने की पड़ी होगी भला? ये भी 2500 की थी, 2500 रुपए की टिप है, मतलब मेरा ख्याल है 2500 में 2000-1500 डाले एग्जॉस्ट आ जाएगा। 4500 का मैंने एग्जॉस्ट लिया था। ये चेक कर रहे हो, ये हालात है हमारे यहाँ पे, एग्जॉस्ट यहाँ पे लोकल बन जाता है ना तो आपको मिल जाता है सस्ता, ये चाइना से आती हैं तो भाई छुरी फिरती है इस तरह की चीज पे, छोटी ही टिप है 2500 रुपए की। खैर अब इस टिप के अंदर जो सारा मैजिक लगा हुआ है, सारे पैसे तो उस चीज के हैं, वो मैजिक क्या है जी? वो है ये वाला कट ऑफ, ये चेक कर रहे हो, ये है हमारे कट ऑफ का सिंपल सा रिमोट, इसके ऊपर ऑन ऑफ सारी गेम इस रिमोट के साथ कंट्रोल हो रही है। तो यानी अब आप बताओ कि आजकल की जो मोस्ट डिमांडिंग चीज चल रही है, इस कट ऑफ को आपने कितने में खरीदा था? मैंने खरीदा था 22,000। चेक कर रहे हो, 22,000 रुपए में हमने ये कट ऑफ खरीदा, आज 35,000 रुपए इसका रेट हुआ खड़ा है। तो खरीदना किसी ने तो बताओ भाई को, आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर लो, फॉर सेल है यार, आप ले सकते हो ये, बिल्कुल आपको अच्छी से रेट में दे देंगे, जितने में लिया थोड़ा सा कमा लेंगे उसके ऊपर और आपको मिल जाएगा। बेचना फिर भाई बस इंस्टॉलिंग कॉस्ट जो हमें ये वो साथ लगा देंगे। इसमें इंस्टॉलिंग कॉस्ट वो कितनी आई थी आपको? 6,000 आई थी। 6,000 रुपए इंस्टॉलिंग कॉस्ट आ गई थी, यार चलो कोई नहीं, फिर भी तो आपको बड़ा हैवी वाला मिलता है। और ये कट ऑफ वो था, वो एयर फ्लो वाला नहीं आता आपको, चाइना वाला वही वाला था ना, कंप्रेसर वाला, हवा के थ्रू ये कंट्रोल होता है, सिंपल सा रिमोट है, कोई इलेक्ट्रिक वाला वो जो लोकल बन रहा है ना वो साफ नहीं था, इम्पोर्टेड गांव था इसकी वजह से महंगा था। आवाज चेक कराऊं एक बार दोबारा? चलो दिखाता हूँ, सिग्मा मेल वाली गाड़ी है भाई, नॉट कमिंग स्लो। तो यार ये था आज का रिव्यू हमारी प्यारी सी क्यूट सी वैशी किस्म की ऑटो शो प्रिपेयर्ड कार का। हाइट को जज नहीं करना, ऑफ सीजन चल रहा है जिसकी वजह से हाइट हमने बढ़ाई हुई है, वरना सीजन में ये फुल डेड ड्रॉप भी चलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है आप लोगों का आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अब्दुल्ला भाई क्या सारा एक्सपीरियंस हमारे साथ आपका भाई? बेहतरीन रहा एक्सपीरियंस, आवाम ने बड़ा तंग किया रिव्यू नहीं बनाने दिया ऐसे ही है, हर बंदा आके तंग कर रहा था। खैर उम्मीद है आप लोगों को रिव्यू मजे का लगा होगा, बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको गाड़ियां आती रहेंगी हमारी जिंदगी में, आप लोगों को दिखाते रहेंगे, मॉडिफिकेशन दिखाते रहेंगे, ऑटो शोज की अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, और अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकअल्लाह।